लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई की कलंबोली और तलोजा पुलिस ने अवैध गुटखा बिक्री करने और वाहनों की चोरी करने वाले अलग अलग वारदातों से जुड़े गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। परिमंडल 2 के पुलिस उपायुक्त शिवराज पाटिल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि FDA अधिकारियों की मदद से अवैध गुटखा से भरे ट्रक और टेम्पो को जब्त किया गया है। वहीं कलंबोली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 लोगों को अरेस्ट किया है। इनसे पूछताछ में 6 वारदातों का खुलासा हुआ है। आरोपियों से 3 मोटरसाइकिल, 2 ऑटो रिक्शा समेत 2,25,000 का माल बरामद किया गया है। पुलिस उपायुक्त शिवराज पाटिल ने इस पर और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। तंबाकू एक जगह पे कंसाइनमेंट आने वाला है, उसके तहत उन्होंने जो ट्रैप वहाँ पे रखा था और ट्रैप में एक जगह पे एक कंटेनर से कंटेनर मिला, ट्रक मिला और उसमें से एक छोटा टेम्पो था, उसमें कुछ माल शिफ्टिंग चल रहा था। उस वक्त ये जो टीम है उन्होंने वहाँ पे सबको जो सीज किया, जो कंटेनर ये था उसमें लगभग 12,96,064 इतना जो विमल पान मसाला और सुगंधित तंबाकू है वो उसमें सीज हुआ है और उसमें ट्रक और टाटा टेम्पो भी उसमें सीज हुआ है। तो नई मुंबई का जो नशा मुक्त अभियान है माननीय पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह सर उनके नेतृत्व में चल रहा है, उसके तहत एक अच्छी लीड और अच्छा काम हुआ है नशा मुक्त अभियान की ओर हमारा, और उसमें 2000 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उनके टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। और उसमें ही दूसरा भी जो रेगुलर हमारा इन्वेस्टिगेशन चलता है उसके तहत उन्होंने लगभग 3 जो थेफ्ट थे, 5 थेफ्ट थे, उसमें 3 मोटर व्हीकल थेफ्ट और 2 रिक्शा ऑटो रिक्शा थेफ्ट थे वो भी ओपन हुए, उसमें 2 आरोपी निष्पन्न हुए और 5 गाड़ियाँ हमने सीज की हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।